परिमार्जित कर शुद्ध बोलना शुद्ध लिखना समझते हैं। अब व्याकरण के निर्धारण किस तरीके से शुरू रहेगा, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे है? सबसे पहले है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति मतलब व्युत्पत्ति का क्या अर्थ है? व्युत्पत्ति का अर्थ है टुकड़े करना या विश्लेषण करना। तो व्याकरण शब्द का विश्लेषण किस तरह से है, यानी व्याकरण हमारी भाषा को परिमार्जित किस तरह से करता है? देखो व्याकरण में किन शब्दों का प्रयोग है? वी उपसर्ग, आ उपसर्ग प्लस व्याकरण के मुख्यतः चार विभाग। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद और वाक्य विचार के अंतर्गत है। मुख्य रूप से हमारी व्याकरण के विभाग के अंतर्गत हैं। अब पहला है हमारा वर्ण विचार।
व्याकरण के जिस भाग में वर्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है या वर्णों की व्यवस्था, वर्णों का क्रम या वर्णों के आकार के विषय में कि किस तरह से वर्ण लिखे जाते हैं, वह सब हमें व्याकरण सिखाती है। तो पहला हमारा विभाग है वर्ण विचार। इसके माध्यम से हम वर्णों के आकार, उनकी बनावट, उनकी व्यवस्था, उनके क्रम के विषय में लिखना और पढ़ना बोलना सीखते हैं, वो हमारा पहला विभाग है वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार। वर्णों के माध्यम से उनके क्रम को सही रूप से व्यवस्थित कर हम सार्थक शब्दों का निर्माण किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार हम उनको अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं, वो हम सीखते हैं शब्द विचार में। पद विचार। पद हम प्रत्यय लगाकर शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ जाते हैं और उनसे जब सार्थक और व्यवस्थित हम शब्दों का प्रयोग करते हैं क्रमपूर्वक अपने वाक्य में, शब्द होते हैं स्वतंत्र रूप से और वह शब्द पद कब बन जाता है, जब हम प्रत्ययों का प्रयोग करके उनको हमारे वाक्यों में व्यवस्थित कर देते हैं, तब वह पद का रूप ले लेता है। चौथा है वाक्य विचार। वाक्यों में हम उन्हीं सार्थक शब्दों को अपनी भाषा में प्रयोग करते समय जब सार्थक वाक्य का निर्माण कर देते हैं, वो किस प्रकार से होता है, उसका हम व्याकरण के नियमों के अनुसार कैसे प्रयोग करते हैं, वो हम वाक्य विचार के माध्यम से सीखते हैं। तो ये हमारी भाषा के चार विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों, आज का हमारा यह टॉपिक यही पूरा होता है। आगे की कक्षा में हम फिर से दोबारा एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।